नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभी। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सहित रीवा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई और शहर में लगातार पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों के द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा बरसों पुराने अयोध्या जमीन विवाद को लेकर रामलला के मंदिर बनाए जाने के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके बाद प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जहां एक और रीवा सहित प्रदेश भर के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को बंद रखने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा मार्च पास्ट करके शहर के लोगों को शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाने का संदेश दिया जा रहा है और उपद्रवी तत्वों से दूर रहने की हिदायत भी प्रशासनिक अमले के द्वारा दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी फैसला आने के बाद लोगों से किसी भी तरह का जश्न, जुलूस या विरोध प्रदर्शनों में शामिल न होने की अपील की है। फैसला आने के पहले आज सुबह रीवा कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने भी जिले के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मेरी सभी से अपील है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको सम्मान के साथ स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त ना करें। पूरे रीवा में हम लोगों ने पुलिस की पूरी व्यवस्था की है, पिकेट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की अफवाहें अगर फैलेंगी तो हम लोग बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पूरी नज़र है, 144 धारा लगाई जा चुकी है, तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए, अफवाहें फैलाते हुए पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों में एक्स्ट्रा मोबाइल्स हम लोगों ने चलाई हैं, एक्स्ट्रा बाइक पार्टी चलाई हैं और सभी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पे हम लोगों ने फिक्स टिकट्स लगाए गए हैं। प्लेन क्लोथ में हमारे पुलिस वाले घूम रहे हैं जो ये देखेंगे कि कहीं पर भी कोई अगर इस तरह की चीज़ हमें नज़र आती है जो आपत्तिजनक है उसके बारे में सूचना हमें एकत्रित कर रहे हैं। 144 का आदेश ट्रिप्स साहब ने लागू किया हुआ है, उसको हम पालन कराएंगे। अगर कोई भी उसको किसी भी तरह से उसमें कोई वायलेशन होता है तो पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व है जो यहाँ पे कंट्रोल रूम में और कई जगहों पे और हमने लगा रखा है, जो राउंड द क्लॉक यहाँ अवेलेबल रहेगा शिफ्ट्स में और किसी भी आपातकाल परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए किस तरीके से? देखिए, उसके लिए भी एक बहुत हम लोग ने एक डिफरेंट आदेश यहाँ पर कलेक्टर साहब के माध्यम से लागू करवाया है 144 में, जिसमें कि आपत्तिजनक पोस्ट को बनाना तो पहले से ही कानून में प्रोविज़न है सजा के, लेकिन जो लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, क्रॉस कमेंट्स करते हैं, लड़ाई करते हैं या फिर उसको लाइक करते हैं, इन तरह की सभी गतिविधियों को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रतिबंधित कर दिया गया धारा 144 के अंतर्गत। अगर कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी ग्रुप में या किसी फेसबुक पोस्ट पे लोग कोई ऐसा मैसेज डाल रहे हैं जो कि दुर्भावना पैदा करेगा, तो उसको पोस्ट करने वाले को, लाइक करने वाले को, कमेंट करने वाले को, उस पर चर्चा बहस करने वालों को, सभी को हम लोग अरेस्ट करके जेल में भेजेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।